मैं तुम्हारा शोहर हूँ तो पहले मैं आऊंगा। ये क्या बात हुई, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। कबड्डी 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 तोड़ दूंगी तुम्हारी हड्डी 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 कबड्डी। ओ हेलो, ऐसा नहीं होता है। कबड्डी 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 सुमार मुझे जाने दो, वरना वरना क्या वरना बोलो बोलो वरना क्या वरना तो सोचा ही नहीं वरना वरना कुछ तो करूंगी मैं। कुछ तो मतलब वरना क्या? ऐसे इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, पर इसे धमकी ही समझो, कुछ तो होगा। ठीक है। अच्छा धमकी मिल भी मुझे रही और मैं ये अज्यूम करूं कि मेरे साथ क्या होने वाला है? हाँ बिल्कुल भी नहीं। कबड्डी 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 कुछ सुभान मैंने कहा रुको, सुभान बाहर निकलो। सुभान देखो सुभान, तुम्हें सिर्फ नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलना होता है, मुझे किचन में भी बहुत सारे काम रहते हैं। निकलो। मैं नहीं निकलने वाला, तुम जाके दूसरा वॉशरूम यूज कर लो, मुझे वक्त लगेगा। ठीक है फिर, मैं नानी अम्मी से कंप्लेन करूंगी। बेगम जब मैं छोटा था ना, ये धमकी अपने दोस्तों को देता था, अब हम बड़े हो गए बेगम, अपनी धमकियों का लेवल बढ़ाओ। सुभान निकलो ना, सुभान प्लीज। क्या बात है, सुभान वॉशरूम में, यही सही मौका है प्लान को एग्जीक्यूट करने का। अब तक मैं सोचती थी कि मैं गलत कर रही हूं, पर अब समझ में आ रहा कि पूरी दुनिया में मैं ही सही कर रही हूं। सुभान के बाथरूम की खिड़की मेरी बालकनी के पास है, परफेक्ट। आर्किटेक्ट साहब, आपको ना मेरी तरफ से फ्लाइंग किस। लगता है अल्लाह मियाँ भी यही चाहते हैं कि मैं सुभान को इबादत से छीन लूं। तो अल्लाह मियाँ, आग का हुक्म सराखों पर। कोई बात नहीं, आज के लिए तुम चले गए, कल से मैं ही पहले जाऊंगी, देख लेना तुम। और हाँ, जब बाहर निकलोगे तो बाथरूम क्लीन और ड्राई करके निकलना, समझे तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी तुमसे बुरा है कौन? और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं वॉशरूम गीला छोड़ देता हूँ क्या? हाँ बहुत गंदा, हर जगह पानी पानी हो जाता है। क्योंकि बेगम मैं पानी से नहाता हूँ, तुम क्या हवा से नहाती हो? हाँ तो मैं भी पानी से ही। करना ही गलत है। निकलो। तुम तो भड़क गई बेगम। अच्छा मैं निकल रहा हूं, वो एक्चुअली मैं 2 घंटे में निकल जाऊंगा। ओके 2 घंटे? तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या सुभान? हाँ ढीला है, तभी तो तुमसे शादी की। और वैसे भी मुझे नहाते नहाते म्यूजिक सुनने की आदत है, मैं म्यूजिक सुनूंगा नहाऊंगा, टाइम लगेगा। मन तो कर रहा है कि लगता है जम्मी के कमरे में जाकर ही नहाना पड़ेगा। इबादत शेर, देखो इबादत, मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम फिर यहां।
मन्नत नहीं, इबादत सुभान। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी हमदर्द सुभान, मैं जानती हूं कि तुम मन्नत की वजह से परेशान हो। वो तुम्हें बदनाम करना चाहती है, पर ऐसा होगा नहीं सुभान, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। मैं जानती हूं सुभान, तुम मुझसे चिढ़ सकते हो, मुझ पे गुस्सा हो सकते हो, पर मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है सुभान। पहले मैं कहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बात करोगे तो कुछ ऐसा कह दोगे कि हमारा झगड़ा हो जाएगा और मेरी बात अनकही रह जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बात करता हूँ तो झगड़ता हूँ तो और क्या करते हो? ठीक है, मुझे कोई बात नहीं करनी, ना तुमसे कोई सवाल पूछूंगा ना तुम मुझसे कोई सवाल पूछोगे। मुझे अकेला छोड़ दो। सुभान, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। सुभान प्लीज, सुभान एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें एक बात कहनी है। इज्जत हो तो कहते हैं की राहों में है इश्क की राहों में कुर्बानियां मौला। कहीं जब फूल खिलता है जो खुशबू मुस्कुराती है, हमें तुम्हारी याद, हमें तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी आंसू में हम अंधेरों में से सकते हैं, तुम्हारी याद के मोती चमकते तबकते। तुमसे मैंने मन्नत को मेल में भेजा था, तुम्हें कैसे पता? सुभान, मुझे तुम्हारी लिखी हुई हर बात, हर एक लफ्ज याद है। कैसे? ऑफ कोर्स मन्नत ने बताया होगा, राइट? मन्नत तुम्हें सब कुछ बताती थी, राइट? नहीं सुभान, मन्नत ने कोई बस देखे ही नहीं। मैं पढ़ती थी, जवाब देती थी। सुभान, तुम्हें जिसकी बातों से मोहब्बत हुई थी वो लड़की मन्नत नहीं, मैं हूं।
ये नहीं हो सकता राइट, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो राइट? यही सच है।